इस एरिया को लेके, लड़कियों को हर एज में प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि टीन एज से शुरुआत करते हैं, टीन एज में किसी का चेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाता है, किसी का बहुत ज़्यादा स्मॉल रह जाता है, शादी के बाद किसी का चेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा सैग हो जाता है, और मदर बनने के बाद तो आपका जो चेस्ट है वो चेस्ट रहता ही नहीं है, क्योंकि किसी किसी का चेस्ट मैंने देखा है कि बिल्कुल पेट तक लटक जाता है, सैगिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, स्किन लूज हो जाती है, स्किन पर रिंकल्स आ जाते हैं, क्योंकि बच्चा फीड कर रहा होता है और बार बार खिंचाव आता है अगर आपकी स्किन पे, तो वो लटकना शुरू हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि टॉवल से कैसे आप वर्कआउट कर सकते हैं और अपनी चेस्ट की हर एक समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको अपना चेस्ट एरिया स्मॉल बनाना है तो भी आप ये वर्कआउट कर सकते हैं, बड़ा बनाना है तो भी आप ये वर्कआउट कर सकते हैं, सैगिंग की प्रॉब्लम हटानी है तो भी आप ये वर्कआउट कर सकते हैं। इतना आसान वर्कआउट है कि आप उसको बेड पे, चेयर पे, जमीन पे, कहीं पे भी बैठ के कभी भी कर सकते हैं। हर हाउसवाइफ के लिए, हर वर्किंग वूमेन के लिए, हर टीनेजर के लिए, हर कॉलेज गोइंग गर्ल के लिए ये वर्कआउट अमेजिंग होने वाला है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वर्कआउट और डाइट दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। अगर आप किसी एक को भी छोड़ देंगे ना तो आपको रिजल्ट्स आधे अधूरे ही मिलेंगे। दोनों को साथ में लेके चलना है, वीडियो एंड तक देखना है, डाइट भी बताऊंगी जो कि वीडियो के एंड में आपको मिलेगी। सबसे पहले हम वर्कआउट कर लेते हैं। तो गाइज तैयार हो जाइए एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले हम अपने चेस्ट एरिया की करने वाले हैं वार्मअप। वार्मअप करने के लिए भी आपको टॉवल ही रखना है सामने, और इस तरीके का टॉवल आप यूज कर सकते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। ये टॉवल मैं यहाँ पे रख दूंगी। और पुशअप आपको करना है, हार्ड वाला पुशअप नहीं, आसान वाला पुशअप। कैसे करना है, आपकी जो ये लेग है ये ऐसे ही रहेगी इस तरीके से, आप इनको क्रॉस कर सकते हैं, आप सीधा कर, कैसे भी आप इनको कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आपको टॉवल आपके जो हाथ है बिल्कुल आपके शोल्डर के बिल्कुल सीध में, और इतना ही आपके हाथों के अंदर गैप होना चाहिए थोड़ा सा इधर, ओके। अब हम करेंगे पुशअप। तो बहुत सारी लड़कियां पुशअप कैसे करती हैं, ऐसे ऐसे नहीं करनी, आपका जो चेस्ट एरिया वो थोड़ा सामने की तरफ आना चाहिए, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 यू नो, जब आप वार्म अप करेंगे ना तो भी आपको महसूस होगा कि आपका सारा प्रेशर चेस्ट एरिया पे है। तो इस तरीके से आप हल्का सा वार्म अप करें, पहले आप 10 टाइम कर सकते हैं, 20 टाइम कर सकते हैं, ओके। फिर हम बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस टॉवल को इस तरीके से होल्ड करना है, आपका जो हाथों का गैप है वो आपके दोनों शोल्डर के जितना ही होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, ओके। मैं करके दिखाती हूँ सामने से, इस तरीके से आपको बिल्कुल सीधे हाथ रखने हैं, और ऐसे और सीधे, बिल्कुल ऐसे पीछे की तरफ नहीं जाने चाहिए, बिल्कुल सीधे रहेंगे इस तरीके से। तो ये है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज, सीधा ऊपर, सीधा ऊपर, सीधा ऊपर, इस तरीके से ये है आपकी एक्सरसाइज। आप पीछे की तरफ हाथ नहीं लेके जाएंगे, बिल्कुल सीधे रखेंगे इस तरीके से। आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो चेस्ट एरिया है, मैं ऊपर कर रही हूँ तो ऊपर की तरफ जा रहा है, और नीचे कर रही हूँ तो नीचे की तरफ आ रहा है। मतलब आपकी जो सैग की प्रॉब्लम है, जो आपका चेस्ट एरिया बड़ा हुआ है या फिर छोटा है, वो बिल्कुल अच्छे से इनहेंस होगा, अच्छे से सही शेप में आना शुरू हो जाएगा अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे। 4 सेट लगाने हैं, एक सेट के अंदर आप 10, 20, 30 जितना भी आपका कैपेसिटी है उतना आप कर सकते हैं, ओके। बहुत आसान है लेकिन बहुत अमेजिंग है, आप इसको बैठे बैठे बेड पे भी बैठ के आप बड़े आराम से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप जमीन पे बैठ के ही करेंगे। तो मैं जैसे ही हाथ ऐसे लेके जा रही हूँ ना, तो ये देखिए ये पूरा प्रेशर यहाँ पे आ रहा है इस तरीके से जब आप हाथ लेके जाते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी एक्सरसाइज बता रही हूँ मैं, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको हाथ इस तरीके से रहेंगे, इस तरीके से आपको टॉवल इस तरीके से पकड़ना है, इस तरीके से, उसमें हमने इस तरीके से पकड़ा था, अब आपको इस तरीके से पकड़ना है, और सीधे शोल्डर की मतलब जितना ये गैप है उतना ही गैप होना चाहिए इस तरीके से आपको, और पीछे ऐसे इस तरीके से 1 2। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आगे ऐसे करके इन दोनों को जोड़ लें और फिर पीछे लेके आएंगे तो उसको ऐसे कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं इस तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है।
ध्यान में रखिए कि अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे, डाइट फॉलो नहीं करेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे। अगर आप साथ में डाइट साथ में एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके भी आपको 4 सेट रिपीट एंड रिपीट, बिल्कुल सीधे हाथ इस तरीके से, बिल्कुल सीधे हाथ इस तरीके से, आप चाहें तो मेरे साथ साथ भी कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि क्या खाली पेट होना जरूरी है। देखिए, कोशिश करिए कि खाली पेट ही करें, या फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रेशर सिर्फ आपके चेस्ट एरिया पे ही नहीं, आपके बैली फैट पे भी जाता है इसका प्रेशर। तो कोशिश करें कि आप इसको खाली पेट करें। तो ये हो गई हमारी सेकेंड एक्सरसाइज। ओके, थर्ड एक्सरसाइज करने के लिए आपको क्या है, लेट जाना है, बैंड कर लेने हैं पैर, हाथ ऐसे रहेंगे आपके सीधे इस तरीके से, सीधे हाथ, और आपका जो ये हाथ है ये पूरा पीछे जाएगा ऐसे इस तरीके से। 1 2 3 आपको अगर सैंग की प्रॉब्लम है ना, वो बिल्कुल चुटकियों में शोर हो जाएगी अगर आप ये सभी एक्सरसाइज करेंगे तो। बहुत आसानी से आप अपने चेस्ट को ऊपर की तरफ लेके आ सकते हैं, अपने चेस्ट को सही शेप दे सकते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। अगर आप बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके हर रोज एक्सरसाइज करेंगे तो आपको केवल 1 से 1.5 महीने में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको अपनी बॉडी से प्यार है और आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी अट्रैक्टिव दिखे, जिसमें अहम रोल होता है हमारे चेस्ट एरिया का, अगर आप चाहते हैं चेस्ट एरिया सही शेप में हो, तो डेफिनेटली आप इन सभी एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ओके, हर एक एक्सरसाइज का आपको 4 सेट करने हैं। 4 सेट में आप 20 टाइम कर सकते हैं, आप 30 टाइम कर सकते हैं, आपके पास जितना भी टाइम है आप उसके अकॉर्डिंग इन सभी एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारी एक्सरसाइज। आशा करूँगी कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और एक्सरसाइज काफ़ी पसंद आई होगी तो इनको जरूर करना है। चलिए फिर डाइट भी सुन ही लीजिए कि आपको क्या करना है। चेस्ट एरिया बड़ा बनाना चाहते हैं तो फैट वाली जो चीज़ें हैं वो खाना शुरू कर दीजिए। दही खाइए, दूध पिए, पनीर खाइए, सोयाबीन खाइए और एक्सरसाइज कीजिए। देखिए कितना फास्ट तरीके से आपका चेस्ट एरिया सही शेप में आता है। अगर आपको चेस्ट एरिया स्मॉल करना है, फैट वाली चीज़ें सारी कट कर दीजिए। जैसे कि मैंने अभी बताया, फैट वाली चीज़ें सोयाबीन है, दही है, दही खा सकते हैं, बटर है, चीज़ है, ये सारी चीज़ें, ऑयली फूड सारी कम कर दीजिए। और अगर आपको शैगिंग की प्रॉब्लम है तो वर्कआउट ही है जो आपकी मदद कर सकता है। अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, बाहर का खाना अवॉइड करेंगे, अपनी सेहत पे ध्यान देंगे ना, तो अपने आप सुंदर बनना शुरू हो जाएंगे। ना केवल आपका चेस्ट एरिया बल्कि आपकी पूरी बॉडी शेप में आना शुरू हो जाएंगी और आप बोलेंगे कि वाह दी, क्या कमाल का वर्कआउट बताया है, क्या कमाल की डाइट बताई है। तो इसे आपको जरूर करके देखना है। आशा करूंगी कि आपके लिए हेल्पफुल होगा आज का वीडियो, आपके काम आएगा। अगर काम आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं हर उस लड़की के साथ जिसको इतने सारे चेस्ट इश्यूज हैं। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना, हमारा एक और चैनल है यार, दागुसुम चैनल, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय।